भारत और इसराइल के बीच रिश्ते ज़्यादातर व्यापारिक हैं और पिछले कुछ साल से ये जस का तस है। आज तक भारत के कोई भी प्रधानमंत्री इसराइल के दौरे पर नहीं गए हैं। भारत और इसराइल के बीच रिश्ते 1992 से शुरू हुए और तब से अब तक दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा, कृषि और राजनीतिक मामलों में पारस्परिक सहायता बनी हुई है। भारत इसराइल के मिलिट्री इक्विपमेंट का सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि कुल व्यापार में दोनों देशों के बीच पिछले 5 साल में कोई सकारात्मक विकास नहीं हुआ। पिछले 5 साल में भारत का इसराइल को निर्यात जितना था आज भी लगभग उतना ही है और इसी दौरान आयात में गिरावट आई है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP के अनुसार इसराइली निवेश भारत में कुल FDI का 0.04% हिस्सा है और पिछले 17 साल में इसराइल की तरफ से भारत में 679.58 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो इसराइल को भारत में निवेश की लिस्ट में 45वें पायदान पर खड़ा करता है। भारत इसराइल को इलेक्ट्रॉनिक मदें, प्लास्टिक, गाड़ियाँ और मशीनरी आदि भेजता है और इसराइल से खाद, लोहा, टेक्निकल और मेडिकल इक्विपमेंट आदि आयात करता है। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा व्यापार मिलिट्री इक्विपमेंट्स का होता है। नवंबर 2011 में भारत ने इसराइल से 1000 असॉल्ट राइफल्स खरीदे। 2015 में भारत ने इजरायली मिलिट्री से 321 लॉन्चर्स और 8356 मिसाइल्स भी खरीदे। भारत सर्वेलेंस के लिए इसराइल के ही मानव रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है और 2015 में ऐसे 16 ड्रोन्स खरीदने का प्रस्ताव भी रखा गया था। भारतीय कंपनी रिलायंस डिफेंस और इजरायली कंपनी रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने 30 मार्च 2016 को डिफेक्सपो इंडिया में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसके तहत दोनों कंपनियां साथ में मिलकर भारतीय सेना के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स, कई तरह के मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स और सर्वेलेंस बैलून्स बनाएंगी। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।